हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं जस्ट विश। हम हमारे शहर के जो भी आसपास जो भी अच्छा खाना टेक अवे मिलता है उसे ऑर्डर करेंगे और उसे ट्राई करेंगे। दो आइटम के बीच में कंपैरिजन टाइप का करेंगे। अंत में जो डिश सबसे अच्छा होगा उसे मैं रिवील करूंगा कि कौन से जगह का है। जी हाँ, आज का एपिसोड चाट का है, तो हमने मंगाया है इसमें टिक्की चाट एंड पापड़ी चाट। दो तरीके के चाट है इसमें। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। ये भी चाट है, ये मेरे ख्याल से ये भी पापड़ी चाट है, तो मुझे पता नहीं, खोल के देखते हैं। और ये हमारा थर्ड ऑप्शन, ये भी स्विगी वाले भैया लेकर आए हैं, राज कचौड़ी चाट एंड दही पापड़ी चाट। वाह, ये पहला आइटम खोलते हैं। वाह, सेकंड, इसमें तीन डब्बे, एक फोक और एक सील पैकेट है। ओके, तो तीन डब्बे थे, एक हमने हमारे बेटे को दे दिया क्योंकि वो वेट नहीं कर रहा था, उसे खाना था तो हमने दे दिया। तो चलिए अभी दूसरा खोलते हैं, ये देखते हैं कौन सा है। वाओ, देखिए ये टिक्की चाट है। टिक्की के सारे मसाले और अनियंस और चटनी सब इसमें डाल दिया है एंड इट्स फुली प्रिपेयर्ड। आपको बनाना नहीं है, असेंबल नहीं करना है मेरा मतलब। तो इसको ट्राई करते हैं। द फूड इज स्टिल वार्म, खाना गर्म है वो बहुत बढ़िया है। और पूरी तरह से असेंबल होके आया है तो थोड़ा उसका वो क्रंच और नहीं रहा, तो दैट पेट इज़ फाइन। इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स नॉट, आई वोंट कंसिडर दिस बैड, इट्स गुड। तो इसे हम साइड करते हैं और सेकेंड आइटम पे जाते हैं। चलिए, ये दही पापड़ी चाट है। ये रहा दही, इसमें आलू के कट पीसेस हैं, इसमें आलू है, प्याज है और दही में मसाले हैं। तो इसे हम पापड़ी के साथ खाते हैं। ये रहा पापड़ी, ये रहा पापड़ी। पापड़ी काफ़ी छोटे साइज के हैं। यहाँ पे नॉर्मली पापड़ी जो होता है थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, बट ये छोटे हैं। हम इसे इसके ऊपर डाल देते हैं। स्पाइस लग गया है, इसे टेस्ट करते हैं। इट्स गॉट दिस ब्यूटीफुल दही का स्वीटनेस, पापड़ी इज क्रंची। यहाँ आई वुड हैव प्रेफर्ड द पापड़ी टू बी अ स्लाइटली बिगर साइज। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे हैं। एंड या क्लासिक दही पापड़ी, बट देन दही हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस। आई कैन सी द स्प्रिंकल ऑफ मसाला लाइक रेड चिली, बट इसे स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, दही खट्टी भी नहीं है। ये असेंबल्ड नहीं है तो इसमें पापड़ी अलग आते हैं, तो दैट वे द क्रंच ऑल्सो रिमेन्स। तो काफ़ी बढ़िया, वेरी नाइस, आई लाइक दिस वन। ऑलराइट गाइस, तो इसका की ऑब्जर्वेशन ये था कि जो हमने टिक्की चाट खाया ना उसमें दही नहीं था, तो आई वुड हैव रियली लाइक्ड अ लिटिल बिट ऑफ दही इन दैट। तो मैंने क्या किया, दही पापड़ी का दही थोड़ा उसमें डाल दिया, तो बात वहाँ पे बन गई। एंड द पापड़ी चाट वॉज वेरी डिलिशियस, वेरी टेस्टी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द प्राइसेस दैट वी पेड फॉर दिस। सो वी ऑर्डर टू टिक्की चाट्स फॉर 198 एंड द पापड़ी चाट वॉज 90 rupees। Considering, let's move on to the second one. Then once we finish all three, फिर मैं बताऊँगा कि कौन सा सबसे बढ़िया था और ये कहाँ से आया है। मेरे हिसाब से पापड़ी चाट शुड हैव बीन लाइक 50 something, 50-60 मैक्स, एंड द टिक्की चाट हाउ मच, 70, इट वॉज वर्थ दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई कांट वेट। इसे खोल देते हैं ऊपर से, अब इसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक दो, एक प्राइम का ग्रीन चिली और डेलमोंटे का केचप, टू वेरी डिफरेंट ब्रांड्स। एंड लुक एट दिस, आई स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आई एम लविंग द पैकेजिंग ऑफ दिस। या एंड द कलर्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे इन्होंने धनिया डाला है, तो दैट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। चलिए इसे खोलते हैं। ये हमारा आलू टिक्की चाट एंड वी गॉट चाट, कचौड़ी चाट। जब आपको भूख लगी और पैकेजिंग इतना टाइट हो तो वेल, आई अप्रिशिएट द पैकेजिंग।
बहुत ही सॉलिड पैकेजिंग है यहाँ पे कोई लीकेज या पिलफरेज होने का चांस है ही नहीं। इसे चलिए खोलते हैं। वाव, ऑन द लुक ऑफ इट सिमिलर दिख रहे हैं। आई कैन सी छोले एंड आई कैन सी काला चना, क्यूकम्बर, लेकिन इसमें से एक है आलू टिक्की चाट और दूसरा है कचौड़ी चाट। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं, इसके अंदर है क्या। वैसे कचौड़ी देख के मेरे को लगा राज कचौड़ी होगा, बट नहीं, ये कचौड़ी चाट है। एंड दिस कचौड़ी ऑल्सो लुक्स लाइक अलॉट लाइक पापड़ी। अब इन्होंने दो पैकेट सेम कचौड़ी देव गिवन, वेरी गुड, मे बी द पोर्शन आर लार्जर। इसमें थोड़ा सा सेव भी दिया है उन्होंने, तो ऊपर से सेव डाल देते। चलिए, दिस इज कचौड़ी चाट। सो नॉर्मली चाट गिव्स यू एन एक्सप्लोजन ऑफ टेस्ट, इसमें वैसे कुछ नहीं हुआ। आई कुड टेस्ट द स्पाइस ऑफ दिस हॉट चिली हियर, बट अदरवाइज अ वेरी फ्लैट ब्लैंड टेस्टिंग चाट, नॉट इम्प्रेस्ड। कोई किसी भी तरह का चटनी या खटास फील बिल्कुल नहीं हुआ। नॉट माई कप ऑफ टी, आई विल नॉट हैव दिस अगेन। लेट्स मूव ऑन टू द आलू टिक्की। यस, देयर इज अ डिस्टिंक्ट टिक्की, इफ यू कैन सी, ये टिक्की है। लेट्स गिव दिस अ ट्राई। नो, नॉट गुड। बोथ मसालाज आर सेम, एंड दे पुट दिस वियर्ड रेड चिली चटनी ऑन इट, एंड दे गिव एन एक्स्ट्रा ग्रीन चिली। गॉड ओनली नोज व्हाट दे वर थिंकिंग। Not impressed. I'll be back. Let me clean this up. This was like a disgrace to chaat, man. वैसे मेरा spice tolerance relatively high है, and I am मतलब काफी उन्होंने मिर्च का paste ऊपर डाल दिया था, and there was no curd. पापड़ी also smelled of oil. Yeah, पापड़ी also smelled of oil. So, तो इस चाट के लिए हमने pay किया है 80 rupees for the aloo tikki and 80 rupees for the kachori chaat, which is a total waste of money. Naam bata deta main, aap log order nahi karte, but abhi lockdown ka time hai, har koi struggle kar raha hai apna business sambhalne mein, to kyun kisi ko badnaam kare. To chalte hain, I'm eager to move on to the last one. Chaliye isko kha kar khol kar dekhte hain. Swiggy wale bhaiya jo hain, जितने भी सारे भैया हैं, थैंक यू सो मच, पूरे लॉकडाउन में आपने हमें खिलाया। जोमेटो वाले भैया भी, ये दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांडिंग बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, खोल देता हूँ, खोल के निकालता हूँ। तो ये रहा, मतलब अंदर ये दिख जाएगा, ब्रांडिंग है इनका। तो ये रहा राज कचौड़ी, पापड़ी चाट, ये पैकेट है, ऐसे कहते हैं प्रोफेशनल्स। इन्होंने मिलाया नहीं, अलग अलग दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, और कुछ नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे खोलते ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पैक करके दिया हुआ है। तो देखिए ये पैकेट जो है, इसमें शायद दही है, एंड ये भी ठंडी है, और एंड दे हैव गॉट दिस पुल सेलो टेप ऑन दिस। मानना पड़ेगा दे हैव इन्वेस्टेड ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन ensuring the packaging, so which is good. Wow, beautiful dahi. तो ये चैनल पे ये जो सेगमेंट है ना, ये एक धोखे से स्टार्ट हुआ है। मतलब मेरे को राज कचौड़ी खाने का बहुत मन था एक जगह। एक नॉर्मली यू डोंट गेट गुड राज कचौड़ी इन माई सिटी, बट एक जगह से ऑर्डर किया, इतना वाहियात राज कचौड़ी मिला, तो सब ट्राई किया जाए और लोगों को बताया जाए कि अच्छा कहाँ मिलता है। तो दिस इज़ आर राज कचौड़ी। वैसे राज कचौड़ी कुड हैव बीन अ लिटिल बिगर, दिस इज हाउ इट इज, एंड आई थिंक दे फिल्ड इट। यस, इसमें ऑलरेडी स्टफिंग्स इन्होंने, आई वंडर हाउ दे मेड इट, दे सपोज टू ब्रेक एंड फिल इट, बट दे आई थिंक समवेयर कुक्ड इट विद द स्ट्रेंज। राज कचौड़ी तोड़ के अंदर डालते हैं ना। चलिए इसमें थोड़ा सा जगह बनाते हैं,
उप्स से ये देखिए ये टूट गया. एनी वेज दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू सी वॉट इज इन साइड. दे हैव दिस यूनिक रेड. आई वंडर व्हाट दिस इज. लेट्स गिव इट अ ट्राई. फ्रेश है. डजंट इट्स नॉट स्पाइसी. चलिए दही डालते हैं. सॉरी दोस्तों राज कचौड़ी का थोड़ा सा लुक मैंने बिगाड़ दिया. जो इमली की चटनी है वो डालते हैं पहले. एंड आफ्टर दैट मीठी चटनी वी हैव दिस ग्रीन चटनी तो इसे भी डाल देते हैं. ये थोड़ा सा ज़्यादा डल गया. सॉरी घर पे ऐसे डिशेज ऑर्डर करो तो आपको असेंबल करना पड़ता है. अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे मैंने बता दिया है कि आलू दम दही बड़ा को कैसे असेंबल करके परफेक्टली खाया जाता है. बिकॉज इफ यू डोंट असेंबल इट राइट तो उसमें भी स्वाद बिगड़ जाता है. तो लेट्स गिव दिस अ ट्राई. सो द कचौड़ी इज फ्रेश. Doesn't smell of any oil, so that is good. Isme they put aloo and they put some other filling in it as well with these with the chana. It tastes good. Let's move on to the papdi. We will pull out the papdis. Okay, yahan inhone already assemble karke thoda bahut de diya hai. So the papdi is right underneath. उसका एक डाउनसाइड भी है. सो यू गेट अबाउट इसे निकालना मुश्किल हो जाता है. वैसे लोग नॉर्मली इसी से ही खा लेते हैं. आई थिंक दे अज्यूम दैट पीपल विल ईट स्ट्रेट आउट ऑफ दिस. बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर ना पापड़ी थोड़ा सा सॉगी हो गया है. इफ़ यू आर गिविंग पापड़ी प्लीज डोंट मिक्स इट अप. देयर यू गो माय फ्रेंड्स. एंड लेट्स ड्रिजल द दही. इमली चटनी. लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चटनी. अब देखिए पापड़ी इज सॉफ्ट. टेस्ट इज गुड. दे वर गुड टेस्टिंग फूड. लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई. क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स. फूड टेस्ट गुड. पैकेजिंग इज सुपर्ब. और अगर वो अगर पापड़ी को अलग देते तो शायद this would have tasted really good. So yeah, this is definitely a good option. And the only if they fix the papdi they are sorted. All right, ye jo last place hai yahan pe humne raj kachori chaat ko order kiya tha 85 rupees mein aur dahi papdi was 80 rupees. That's fairly decent pricing. I appreciate that. Abhi sawal ye uthta hai ki ye teenon mein se hame personally sabse acha kya laga aur aaj ke din unke service mein सर्विस भी डे टू डे बेसिस चेंज होता रहता है तो आज के दिन सबसे अच्छा कौन सा लगा. तो द आंसर इज इट्स मनोमय. यस मनोमय इज द लास्ट वन जो हमने अभी अभी खाया. सो फॉर द मनी एंड फॉर द पैकेजिंग दे एंड फॉर द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स रियली गुड रियली गुड. ओनली थिंग इज दैट राज कचौड़ी शुड हैव बीन अ लिटिल राउंड. And the other thing is the papdi should have been packed separately, but by the taste of it and the texture of it, the quality of ingredient was really good. And they go by the name of Kolkata sweetest side. Kolkata is India's sweetest side. That's interesting. So yeah, that's today's video. अगर आपको अच्छा लगा तो comment करके बताएं और ये भी बताएं कि और कौन कौन से खाना order takeaway करके खाया जाए. कुछ plan है दिमाग में कुछ orders है. अगर आप लोग कहीं बाहर से भी आ रहे हो ना तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे DM करो. आईड रियली लाइक टू ट्राई सम फूड फ्रॉम आउटसाइड लाइक यू नो हैदराबाद का बिरयानी हो फिर से और या बैंगलोर से कुछ फ्रेश ब्रूज कोई ले आए. सो या वी कुड डू दैट. लेट मी नो वॉट एल्स यू लाइक टू वॉच. ऑलराइट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. लेट मी नो कैसे लगा कॉमेंट में बताना. इंस्टाग्राम में फॉलो करना. तो चलिए मिलता हूँ आपसे. बाय बाय. टेक केयर. ईट सेफ स्टे सेफ. बाय बाय.